सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब इरादा बना ही लिया है ऊंची उड़ान भरने का, तो देखना फिजूल है कद इस आसमान का। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुभा होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। आज का पंचांग 8 मई 2024 दिन बुधवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि सुबह 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। कन्या राशि 8 मई 2024 दिन बुधवार, खुशियाँ देने वाली बात है कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति बेहतर है और इससे आपको अच्छे समय का अनुभव होने वाला है। दोस्तों के साथ मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय बिताना आपके दिन को और भी आनंदमय बना सकता है। बच्चों के संबंध में किसी समस्या का समाधान प्राप्त होने से आपको राहत मिलेगी और आपके मन में शांति की भावना उत्पन्न होगी। इस समय को पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास करें और इस अवसर को सकारात्मकता और खुशियों से भरा बनाने का प्रयास भी करें। ध्यान रखें कि सुखद अनुभवों का आनंद उठाने के लिए समय की सही व्यवस्था की आवश्यकता भी होती है। समस्याओं का सामना करने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है और यही सही उपाय भी है। समस्याओं से निपटने का प्रयास करते समय अपनी मानसिक स्थिति को भी स्थिर और स्पष्ट रखना चाहिए। कई बार आपकी सोच में विपरीतता उत्पन्न होती है और यह सही निर्णय लेने से विरोधित कर सकती है। हालांकि यह अनंतः आपकी मर्जी पर ही निर्भर करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी बात सही है कि जीवन की भाग दौड़ में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसीलिए समय समय पर विश्राम लेना, स्वास्थ्यप्रद आहार लेना और नियमित व्यायाम करना महत्वपूर्ण होता है। समस्याओं के सामने निराश न होकर उनका सामना करें और समाधान खोजें। अगर आप लगातार अधिक तकलीफ महसूस करेंगे तो यह बेहतर हो सकता है कि आप किसी विशेष की सलाह लें। आप प्रेरणा से भरे हैं और आपकी अच्छी स्थिति में भी आपका दिमाग सक्रिय है और इसमें नए नए विहार और नीतियां भी आती रहती है। आज के दिन आपके लिए सफलता से भरा रहने वाला है। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो सब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। आज आप पैसों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेन देन में होने वाली देरी से बचने के लिए सावधानी से खर्च करें। परिवार के साथ संगीत या भोजन जैसी साधारण खुशी शेयर करें। परेशानी के समय में एक शिक्षक या सलाहकार के साथ रहें। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज अचानक दिनचर्या परिवर्तन या निमंत्रण की संभावना है। घरेलू मुद्दे भी चिंता का विषय हो सकते हैं, किंतु परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अपने विचारों और चिंताओं से इतना ना घबराएं कि आप अपनी आने वाली जीत और अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की आप कोशिश कर सकती हैं। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। सावधान रहें, क्योंकि आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकती हैं। तरोताजा और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन हो सकता है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यवसायिक लेन देन में पूरी तरह से सावधानी रखें। अपनी बातचीत में मौलिकता रखें, क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। सावधानियां, कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी करना और आवेश में आना आपके लिए विपरीत परिस्थितियां भी बना सकता है।
अपने इन कमियों में सुधार जरूर लाएं। आय की अपेक्षा खर्चों की स्थिति अधिक होने से मन कुछ विचलित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसमें से हर एक आपके लिए अच्छा ही साबित हो। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोचने की कोशिश करे कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। अपने मीठी मीठी बातों से आप अपने साथी का दिल जीत लेंगे। पिता या शिक्षकों पर आए संकट से आपकी यात्रा की योजनाओं में विलंब होगा। अपने दिल के सबसे करीबी के लिए समय निकाल कर कहीं घूमने जाएं और कुछ गुदगुदाते पल बिताएं। अनावश्यक कामों या गतिविधियों से बचें। कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को संभालने में सक्षम हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने में कोई कसर ना छोड़ें। उसके लिए डिनर तैयार कर सकते हैं या कोई रोमांटिक फिल्म भी देख सकते हैं। इससे आपको भी फायदा ही होगा। बात करते हैं करियर की। आज आप किसी ऐसे मुश्किल में फंस सकते हैं जो आपके परिवार और पिता के लिए संकट का कारण बन सकता है। इससे निकलने में दोस्तों और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। वित्तीय बैंकिंग पेशे से जुड़े लोगों के लिए यह बहुत संतोषजनक समय हो सकता है। आज कोई यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। आज किसी बदलाव की संभावना है, लेकिन आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी परेशानी से सामना हो सकता है, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि जो आज आप करती हैं उसका प्रभाव आपके भविष्य में पड़ता है। कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना भी आप बना लें। कुछ बड़ी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका इंतजार कर रही है। आपको कुछ समय से अपने कार्य के प्रति प्रशंसा नहीं मिल रही थी, ये पूरी तरह से आज गायब हो जाएगा और आपको उच्च वेतन और अधिक भत्तों के साथ एक दूसरी जगह नौकरी भी मिल सकती है जो आपके सोच से परे थी। हालांकि इस नौकरी के लिए आपका स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए इस निर्णय पर विवेकतापूर्ण विचार करें और परिवार के अन्य सदस्यों की राय को भी इसमें शामिल करें। बात करते हैं सेहत की। अगर आप किसी कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में सोच रही हैं और निर्णय नहीं ले पा रही हैं, तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोच कर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगी। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। आज का उपाय, गरीबों को आज हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।